दिल माने ना ड्रामा सीरियल वीक में 2 डेज से मंडे और ट्यूसडे को टेलीकास्ट किया जाता है। अपनी दिलचस्प स्टोरी की वजह से, बेहतरीन कास्ट की वजह से और ज़बरदस्त एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तमाम लोग इस ड्रामे का बेताबी से इंतज़ार करते हैं और इसकी हर नई एपिसोड का शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है। मंडे को इसकी एपिसोड नंबर 23 नशर की गई थी और ट्यूसडे को एपिसोड नंबर 24 जो है वो नशर होनी थी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि ट्यूसडे को आपको इसकी एपिसोड नंबर 24 देखने को ना मिल सकी। अब बहुत से लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर इसकी नई एपिसोड 24 कब नशर होगी और इस ट्यूसडे को क्यों नशर नहीं की गई। इसकी वजह यह है कि अब चूँकि मुहर्रम उल हराम का मंथ शुरू हो चुका है और 9 और 10 मुहर्रम को जितने भी चैनल्स हैं ड्रामास के, उन पर मुहर्रम के हवाले से प्रोग्राम नशर किए जाते हैं और ग्रीन एंटरटेनमेंट पे भी रात 8 बजे मुहर्रम उल हराम के तकद्दस में मुहर्रम उल हराम ही का प्रोग्राम नशर किया गया। इस वजह से दिल माने नाम की एपिसोड नंबर 24 जो है वो टेलीकास्ट नहीं हो सकी। अब आपके जहन में यही सवाल होगा कि इसकी एपिसोड नंबर 24 कब आएगी, क्या वो वेनसडे को दिखाई जाएगी या थर्सडे को दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एपिसोड नंबर 24 आपको अब कमिंग मंडे को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्रामा जो है वो वीक में 2 डेज ही टेलीकास्ट किया जाता है और अगर किसी वजह से इसकी कोई एपिसोड रह जाए, टेलीकास्ट ना हो, तो फिर नेक्स्ट वीक में वो एपिसोड टेलीकास्ट की जाती है। बहरहाल इसकी एपिसोड 24 जिसका आप लोगों को शिद्दत से इंतज़ार है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उस एपिसोड में भी हानिया के लिए अभी मुश्किलात ही दिखाई जाएंगी। पहले उसके लिए फारूक जो है वो मुश्किलात खड़ी करता था, तई अम्मी उसे बातें सुनाती थी उस घर में और फाकिया जो है वो उसकी मुखालफत करती रहती थी, जिसकी वजह से हानिया अक्सर अफसरदा ही रहती थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ही कुछ इस किस्म की थी कि उसे उसकी माँ हॉस्पिटल में छोड़कर चली गई थी और वहाँ से फिर डॉक्टर शबाना उसे उठाकर ले आई थी और उसे बेटियों की तरह पाल रही थी और उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और ये बात फारूक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसी वजह से वो इस बात पर डॉक्टर शबाना से अक्सर नोक झोंक करता रहता था, लड़ता झगड़ता रहता था और अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा अहमियत देता था और हानिया यही सोचती रहती थी कि आखिर बाबा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। लेकिन फिर जब उसे पर यह हकीकत खुलती है, जब उसके उसका रिश्ता हो रहा होता है उसकी बारात वाले दिन, तो ताई अम्मी ने जाकर उसके ससुरालियों को यह बता दिया होता है कि यह बेटी जो है वो डॉक्टर शबाना की अपनी बेटी नहीं है और यह हकीकत फिर हानिया पर खुलती है और सब घर वालों पर खुलती है, क्योंकि डॉक्टर शबाना ने तो ये बात सबसे छुपा कर रखी होती है और हानिया को बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया होता कि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। और यहाँ पर जब यह हकीकत सब पर खुलती है तो फाकिया भी हानिया की मुखालफत में आ जाती है और उसे इस बात का शदीद दुख होता है कि आखिर डॉक्टर शबाना जो हैं उसकी जो माँ हैं वो उनसे बढ़कर हानिया से क्यों मोहब्बत करती है और वो अक्सर इस सिलसिले में गिला शिकवे भी करती रहती है और हानिया की मुखालफत ही करती रहती है। लेकिन हानिया जो है वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, लेकिन डॉक्टर शबाना के समझाने पर फिर वो ज़िंदगी की तरफ लौटना शुरू कर देती है। उधर हमजा जो कि हानिया से मोहब्बत का इकरार करता है, उसे पसंद करता है और हानिया भी हमजा से मोहब्बत करती है, लेकिन यहाँ पर मोइज़ ने हानिया को बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होती हैं की होती हैं और यही कहता है कि वो हानिया से मोहब्बत करता है, लेकिन हानिया को मोइज़ में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर मोइज़ की शादी जब मुनज़ा से हो जाती है तो मोइज़ जो है वो मुनज़ा से अच्छा बर्ताव नहीं करता और मुनज़ा को यही कहता रहता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, वो हानिया से मोहब्बत करता है। मुनज़ा भी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा होती है, लेकिन वो हानिया के साथ अपना ताल्लुक बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती और हानिया की उसी तरह केयर करती है जैसे कि सगी बहनों की जाती है। और इस बात पर जो मोइज़ की बहन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, उसकी माँ भी हैरान होती है और यही कहती हैं कि हमने इस तरह की लड़की नहीं देखी कि उसका जो शोहर है जिस लड़की से मोहब्बत करता है उसके साथ मुनज़ा इतना ज़्यादा उसके लिए अच्छे जज्बात रखती है और उसे अपनी सगी बहनों की तरह समझती है। हानिया चूँकि काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और जब उसे अपनी सगी माँ आलिया के बारे में पता चलता है तो उसे मिलने के लिए भी जाती है, उसे गिले शिकवे भी करती है और आलिया भी फिर अपनी मजबूरी बताती है हानिया को कि किस वजह से उसे हानिया को मजबूरी में हॉस्पिटल में छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उसने हानिया के वालिद के साथ छुप कर निकाह कर लिया था फराज के साथ अपने वालिद के खौफ से, जिसके नतीजे में हानिया पैदा हुई थी। और जब उसके वालिद को पता चलता है इस बात का तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो आलिया को और
आलिया की माँ को अलग घर में रखना शुरू कर देते हैं और फिर आलिया को मजबूरन हानिया की पैदाइश के बाद उसे हॉस्पिटल में छोड़कर जाना पड़ा। अब आलिया ने चूंकि ये राज अपने शोहर जाहिद से और अपने बेटे फरहान से छुपाया होता है, लेकिन हानिया के एक्सीडेंट के बाद जब आलिया सबको ये हकीकत बता देती है तो जाहिद और फरहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फाकिया जिसकी फरहान के साथ शादी हो चुकी है उसे जब ये पता चलता है कि हानिया कोई और नहीं बल्कि उसकी सास की बेटी और उसके शोहर की बहन है तो वो भी शदीद गुस्से में आ जाती है। और फिर जब आलिया ये फैसला करती है कि वो आप हानिया को अपने घर में रखेगी, क्योंकि जब उसे ये पता चलता है कि फारूक ने हानिया को घर से निकाल दिया था मोइज के इल्ज़ाम लगाने पर, तो आलिया शदीद दुखी होती है और फिर यही कहती है कि हानिया मेरे साथ रहेगी। और हानिया भी यही फैसला करती है क्योंकि अभी उसे हकीकत का पता नहीं है कि जाहिद और फरहान जो हैं वो उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आलिया हानिया भी आलिया के साथ जाना चाहती है और यही फैसला करती है। और जब वो जाती है तो वहाँ पर उसे सारे हालात का पता चलता है कि किस तरह उसके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आलिया जो है वो हानिया का साथ देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और रो रो कर हानिया से कहती है कि मुझे कभी अब मत छोड़ना क्योंकि मैंने बहुत जुदाई बर्दाश्त कर ली है और कोई एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने तुम्हारी जुदाई में तुम्हारे गम में आंसू ना बहाए हों। हानिया भी आलिया को यकीन दिलाती है, लेकिन वो अपनी माँ आलिया के लिए काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी होती है कि उसकी वजह से उसकी माँ को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इधर जाहिद और फरहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, फाकिया भी उन्हें भड़काती रहती है और फाकिया यही कहती है कि हमारे घर में भी हानिया ही की वजह से टेंशन थी, बाबा ने कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जाहिद फाकिया से यही कहता है कि तुम लोगों ने की तो जान छूट गई है, तुम लोगों ने अपने सर से बला उतार कर हमारे सर पर डाल दी है। और फाकिया जो है वो फरहान को भी भड़काती रहती है जब फरहान ये कहता है कि मैं हानिया को कभी भी इस घर में नहीं आने दूंगा और मोम की ये भूल है कि उन्होंने जो ज़िद लगाई हुई है कि वो हानिया के बगैर इस घर में नहीं आएंगी तो हम उसके उनकी ज़िद के आगे हथियार डाल देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो फाकिया इस बात पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो रहा होता है कि हानिया अब इस घर में नहीं आ सकती। लेकिन जाहिद जो है वो फिर बिलाखिर आलिया को इस घर में ले आएगा क्योंकि आलिया ने भी इस घर से अब ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया है। हानिया जब पूछती भी है आलिया से कि क्या आप मेरे लिए फरहान को भी छोड़ देंगी, तो आलिया यहाँ पर यही कहती है कि मैंने उसे नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ दिया है। पहले जब फाकिया से शादी से पहले फरहान हानिया से मिला था तो चूँकि दोनों बहन भाई थे तो फरहान ने हानिया के लिए अच्छे जज्बात रखे थे और उसे अच्छे अल्फाज में याद करता था, लेकिन जब उसे अब ये पता चलता है कि हानिया उसकी माँ की बेटी और उसकी बहन है तो उसका रवैया एकदम हानिया के लिए बदल गया है, क्योंकि फाकिया भी यहाँ पर फरहान के कान भरती रहती है और यही कहती रहती है कि हानिया जो है वो उसे मैं पसंद नहीं करती, वो उस घर में भी मेरे सर पर मुसल्लत थी और मैंने ये नहीं चाहती कि वो इस घर में भी हमारे सर पर मुसल्लत रहे। तो अब देखना यह है कि जाहिद किस तरीके से आलिया को लेकर वापस आता है और हानिया इस घर में आती है और यहाँ पर उसके लिए कौन सी नई मुश्किल खड़ी होती हैं, फरहान किस तरह का रवैया रखता है हानिया के साथ, और जो फाकिया है वो हानिया को किस तरीके से परेशान करती है, और हानिया की मुश्किलात कैसे ख़त्म होंगी जब हमजा जो है वो हानिया को ब्याह कर ले जाएगा, क्योंकि आपको हानिया की यह हकीकत तो सबके सामने खुल चुकी है कि वो अपनी माँ की किसी गलती का नतीजा नहीं है बल्कि उसकी माँ ने बाकायदा उसके बाप के साथ निकाह किया था जिसके नतीजे में हानिया पैदा हुई थी।